मन की गतिविधियों, कोश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो, धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो, बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पढ़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं।